किट्टी के जोश, तारा के होश और अदरक के जुगाड़ के साथ मैं हूँ नेहा और मेरे साथ है मानव। क्या बात है नेहा, बड़े जोश में आते तुम। देखो मानव, ऐसा है ना कि शो का नाम आधा फुल है पर मेरी एनर्जी हमेशा फुल होती है। हाँ नहीं तो। अरे अरे, गुस्सा क्यों खा रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक करोगे तो गुस्सा आएगा ना। एक मिनट, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये लड़कियों को अचानक से इतना सारा गुस्सा कैसे आ जाता है। हाँ, अगर बच्चों की बात करोगे तो थोड़ा सा आइडिया है कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है। बताओ क्यों आता है। मैं क्यों बताऊं क्यों आता है? आप देखो ये आधा फुल का ये केस, सब समझ में आ जाएगा। आप भी देखिए, मैं इनको थोड़ा ठंडा करके आता हूँ। मैडम ठंडा पियेंगी? स्माइल। तुम ठीक हो ना कोमल? ये क्या कर रही हो तुम? तुम खेल रही हो या लड़ रही हो? लीव दिस ग्राउंड नाउ। पता है किटी, अगले दो मैचेस के लिए पीटी सर ने कोमल को टीम से निकलवा दिया। क्या? अरे अब मैं उसे बदला कैसे लूंगी यार। वैसे अच्छा ही हुआ, कोमल को सबक सिखाना जरूरी था। ए, तुम लोग मुझे सबक सिखाओगे? हाँ, एक काम करती हूँ, तुम्हारा नहीं ये जो दूसरा हाथ है ना वो भी तोड़ देती हूँ, फिर मुझे स्कूल से निकलवा देना। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे तेरे लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। दीदी प्लीज। ओ पीछे से आके धक्का दिया था ना तूने, हिम्मत है तो सामने आना। दीदी प्लीज। अच्छा ठीक है, तेरा भी दिल रख लेती हूँ। मारू? हाँ मार, मारना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे क्यों हाय तब मचा रखी है? स्कूल है ये स्कूल, इसे अखाड़ा मत बनाओ, समझे? आप भी अपनी क्लास में जाओ, जाओ। प्रिंस स्पेशल पनीर मखनी कैसा है? बहुत ही। थैंक यू। ये क्या पका रहा है? बाबूजी पनीर मखनी। आप इज्जत पका रहे हैं नारायण सिंह की गैस पे? दमयंती अरे कोमल बेटा कहाँ रह गई थी? जा हाथ मुंह धोकर खाना खा ले।
लाइफ में सब ठीक है ना? मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या जो तुझे इतना बॉदर कर रहा है? कोई दोस्त या घर पे कुछ या मम्मी पापा? ए, उंगली पकड़ के सर पे मत चढ़। मेरी पर्सनल जिंदगी में घुसने की या ताक झांक करने की कोशिश भी की ना तूने तो तेरी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, समझे? एक मेरी बात सुन, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकती है। तो मैं तेरी फ्रेंड हो गई हूँ ना, बता मुझे, शांति से बात सुन, बैठ, कुछ नहीं होगा। वैसे नहीं मानेगी ना? रुक, कोमल, ये क्या? कोमल, कोमल, तू पागल हो गई क्या? कोमल, लो, इसे भी फाड़ दो, लो। लो फाड़ दो इसे। I'm sorry, ma'am. गुस्सा अगर अंदर रहता है तो नुकसान देता है। किसी को मार पीट कर गुस्सा निकालना, किसी का हाथ पैर तोड़कर गुस्सा निकालने से अच्छा है कि ये बुक फाड़ कर तुम अपना गुस्सा निकालो। Do it? नहीं मैम, वो हमें पता है गुस्सा ऐसे खत्म नहीं होता है। हमें गुस्सा क्यों आता है, सबसे पहले तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि गुस्सा कम कैसे होगा। देखो वो तब होगा जब तुम अपनी फ्रेंड्स या फिर मुझसे अपनी बात डिस्कस करोगी खुलकर। तुम्हें अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हें बात करने का मन करे तो मुझसे बताओ। Go to your class. आपसे मिलने का मन किया तो आ गई मिलने के लिए। अच्छा किया। दरअसल थारा के बारे में बात करनी थी। उससे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत परेशान है। क्या हुआ उसे? नहीं नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, स्कूल में भी कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तारा बच्ची है, मैंने उसे समझाया कि जब तक वो अपनी परेशानी का कारण मुझे नहीं बताएगी मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आप तो बोल सकती है ना, तो फिर चुप क्यों है? हवेलियों के कान जरा ऊंचा सुनते हैं रोशनी जी, सिर्फ आवाज खो जाती है। अपनी आवाज पर भरोसा रखिए, जब चार दीवारों से टकराएंगी तो आपकी आवाज गूंज बन जाएगी। वाह वाह, आज नई कौन सी पट्टी पढ़ाई है आप? आपको मजा आता है पति पत्नी के बीच में आग लगाने में? देखिए नारायण जी, मैं दमयंती जी से तारा के बारे में बात करने के लिए आई थी। इनकी चोटें देखी तो इनका हाल चाल पूछने लगी, इसे पट्टी पढ़ाना नहीं कहते। इतनी ममता जाग गई है तो पट्टी लगा भी दीजिए।
और टीचर रोशनी जब देखो तब पाठ पढ़ाती रहती है, भड़काती रहती है हमारे खिलाफ, हमारी औरत को नारायण सिंह के खिलाफ। चैन से नहीं रहने देंगे हम उसको। मालिक, मैंने आपकी दारू पी है और दारू नमक से बढ़कर होती है। आप कहो तो उसको ठिकाने लगा देते हैं। बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया है इस रोशनी का और हमारी महारानी का। कुछ तो करना पड़ेगा। रोशनी जी, रोशनी जी, रोशनी जी, संभालो अपने। पानी पी लीजिए। रोशनी, रोशनी इधर देखिए, मेरी तरफ घबराइए मत, मैं हूं ना यहां पे। अब आप ठीक है? चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। रोशनी जी आप ठीक तो है ना? अरे रोशनी जी, ये सब हुआ कैसे? सर मैं सो थी। सर मैं इनके घर के सामने से गुजर रही थी तो मुझे गैस लीक होने की बदबू आई, और जब मैंने पास जाकर देखा तो बदबू और बढ़ गई। फिर मैं बाहर किसी की मदद ढूंढने गई तो मुझे किस्मत से डॉक्टर अर्जुन मिल गए। और जब मैं घर के अंदर गया तो मैं देखा गैस पूरे घर में फैल चुकी, और जैसे ही मैं रोशनी जी को बाहर लेके आया पता नहीं अचानक घर ने आग पकड़ ली। और गैस लीक कैसे हुई? सर मैंने ठीक से तो नहीं देखा, लेकिन इनके घर के पीछे किसी को जाते हुए देखा। हरिओम जी, ऐसा कौन कर सकता है? रोशनी जी को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। वैसे हमने जगह को अपने अंडर ले लिया है और जांच चल रही है। रोशनी जी अब तो आप यहाँ नहीं रह पाएंगी, आपके रहने के लिए कोई और इंतजाम करना होगा। हरिओम जी आप उसकी चिंता मत कीजिए,
रोशनी जी के रुकने की व्यवस्था हमने कर ली। आज से वो हमारे घर पर हमारी हवेली में रहे। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। रोशनी जी, वो तो हम सब जानते हैं कि आप कुछ ना कुछ कर ही लें, लेकिन अगर इनकी बात मान लेंगी भी तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। प्लीज मान जाइए। तो चले। मां, हमें जाने दीजिए ना प्लीज। पता नहीं रोशनी मैम कैसी होंगी, हमें उनसे मिलना है, प्लीज जाने दीजिए। नहीं तारा, अभी बहुत रात हो गई है, अभी नहीं। माँ, हम और तारा साथ चले जाते हैं और पक्का हम जल्दी वापस आएंगे, बाबूजी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर बेटा, तुम्हारे दादाजी वहाँ से लौट के आते ही होंगे। सो गए घोड़े बेच के, कोई है? क्या प्रिंस, अपने बाबूजी को जाके संभाल। जी बाबूजी। हैं बस ठीक है, हम नारायण सिंह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम चल सकते हैं। दोरा नहीं। मामा आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है। तारा तुम जाओ। हाँ दादा। दमयंती, रोशनी जी के लिए पानी लेकर आओ। रोशनी जी बैठिए, इसे अपना ही घर समझ। नहीं, नहीं, नहीं। अपना घर मतलब क्या है आपका? नारायण देखो, जब तक रोशनी जी को कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक ये इसी घर में रहेंगी हमारे साथ। बदलीपुर में और भी घर हैं, फिर यहीं क्यों, हमारे घर में क्यों? नारायण बदलीपुर के सारे घर हमारे नहीं है, लेकिन ये घर हमारा है और आज भी इस घर के कुछ फैसले हम करते हैं। इसको ऐतराज है वो जा सकता है। रोशनी जी, आपके कमरे की व्यवस्था करवाता हूँ। प्रिंस जी, मेरे साथ आओ। रोशनी मैम के घर पे आग लगी, पता लगाना है। आधा फुल का नया केस। लेकिन हमें करना क्या है? सबूत इकट्ठा करने, कुछ क्लूज मिलेंगे तो जरूर कुछ पता चल जाएगा। पर अभी तो स्कूल जाना ना। वहीं से तो शुरू करना है तारा। याद है कोमल ने अर्जुन चाचा की हेल्प लेकर रोशनी मैम को बचाया था, हम उसी से पूछेंगे, शायद कोई क्लू मिले। अब मैं क्या करूं बे, मेरे तो चने भी खत्म हो गए। तू बदलीपुर में पूछताछ कर रहा, शायद किसी ने कुछ देखा हो या शायद किसी को कुछ मालूम हो जो हमें भी मालूम होना चाहिए। ये सब पूछताछ करके हम शाम को मिलेंगे। तो केस शुरू। आधा फुल। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी सारे मेरे पीछे आओ। नोटबुक है, कल तेरी फाड़ दी थी ना मैंने, तो रात को बैठ के मैंने पूरी कॉपी बना दी है। राइटिंग तेरी जितनी अच्छी नहीं है पर काम चला लियो। थैंक्स यार, तूने तो मेहनत बचा दी मेरी।
वैसे तू यहाँ अकेली बैठ के क्या सोच रही है? कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रही है क्या? तुझे क्या लगता है किसने आग लगाई होगी? कोमल, कोमल, कोमल मेरी बात तो सुन। कभी कभार फैमिली का होना ही ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और तुम कहां समझोगे? यही तो प्रॉब्लम है भाई। तू समझाने की कोशिश करना, अदरक सब समझेगा। समझा तो। हम लड़कों से उम्मीद की जाती है कि हम इमोशनल ना हो, कमजोर ना हो, हिम्मत ना हारे। लेकिन अगर घर में ही कोई एक दूसरे को चोट पहुंचाए तो हिम्मत कहां से लाए? दब भाई, हालात तो गंभीर ही लग रहे हैं तेरी बातों से। फैमिली में ही टेंशन यार। बाहर का कोई होता तो एक बारी को निपटा भी देते। फैमिली वालों से देख भाई, अगर इसे छुटकारा पाना तो सही और गलत का चुनाव करना पड़ेगा। मजदार में रह के ना नहीं है डूबनी। किटी कुछ पता चला? कुछ तो है तारा जो कोमल बता नहीं रही है। उससे बात करके ऐसे लगा कि उसके मन में कुछ है जो वो छुपा रही है। पर क्या? वही तो पता लगाना है। सर, ये ब्रेसलेट मिला मुझे जहां। मेरे पापा का है। भीमा, बच्ची को अंदर लेके आओ। तो ये मेरे पापा का ही है। पक्का? हाँ। मैंने किया क्या है? लेकिन मुझे क्यों ले जा रहे हो आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों ले जा रहे हो आप लोग? क्यों ले जा रहे हो? आने जाएगा ना, सब याद आ जाएगा। ब्रेसलेट पहचानता है ना? ये नकली सबूत है। मुझे रात का याद भी नहीं है कुछ भी। लेके चलो इसे अंदर, से तब पता चलेगा क्या हुआ था। चलो। देखो साहब, नए आए हो, भीमा का गुस्सा देखे नहीं हो अभी तुम। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, बहुत भारी पड़ेगा। निर्दोष को लेके जा रहे हो। लेके जाओ उसको। ना, बहुत भारी। लेके जाओ उसको। बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें। तुम्हारी लेके जाओ। पॉइंट देगा नहीं तुमने कहीं। तुम रो मत माँ। जो कुछ भी बुरा होना था वो हो गया। अब रोने का वक्त गया। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और कोई नहीं मारेगा तुम। मतलब? कुछ गड़बड़ ना तेरे दिमाग में है। अच्छा खासा केस साल हो गया, इसे बात नहीं बच रही। तुम दोनों ने ये नोटिस क्या? जब कोमल के पापा को पुलिस उठा के लेके जा रही थी, कोमल के फेस पे जरा भी टेंशन नहीं थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो चाहती थी कि पुलिस उसके पापा को उठा के लेके चले जाए और उसके पापा उससे, उसकी फैमिली से और उसकी मम्मी से बहुत दूर चले जाए। तारा, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो यही है। अच्छा वैसे हम कोमल के बारे में बात कर रहे थे ना, सो कंटिन्यू। वो टीचर रोशनी आई हुई है हमारे घर में, सबको भड़काने हमारे खिलाफ। मालिक, आप तो सिर्फ हुक्म दो, जला देते हैं उसको और उसके घर को। इसका मतलब रोशनी मैम घर पे नहीं है, यही सही टाइम है। रोशनी मैम को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मैम घर पे? ये तो गड़बड़ हो गई। सर, वो रोशनी मैम के घर से गैस लीक होने की बदबू आ रही है।
ये केस पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हमें कोमल पे नजर रखनी होगी। पीछे पीछे ही आ रही है, ये आपको फिर से मारेगी। किटी, वो मुझे तुझसे कुछ कहना है। बोल। I'm sorry। हाँ? क्या? तूने अभी मुझे सॉरी बोला? हाँ, तूने सही सुना। मैंने तुझे सॉरी बोला। मैंने तुझे बहुत परेशान किया है और बास्केटबॉल मैच में भी काफी चोट पहुंचाई। माफ कर दे। इट्स ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड, स्माइल करते हुए तू ज्यादा अच्छी लगती है। स्माइल करती रह कर। तुझे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, ये तो 2-3 दिन पुराना है। कहाँ लगी? स्कूल में? घर पे। कैसे लगी? वो पापा के साथ थोड़ी बहस हो गई थी तो उन्होंने तूने लड़ाई की अपनी पापा से। हाँ, मेरी माँ को जो भी चोट पहुंचाएगा उसके साथ मैं। केटी, मैं अपने घर की या पापा की बात स्कूल में नहीं करना चाहती। कोमल, आई एम सॉरी। काश तेरे पापा ये सब नहीं करते और आज वो जेल में नहीं होते। केटी, शायद जिसको जहां होना चाहिए ना वो वहीं पे। मेरे वो बिल्कुल सही जगह पे, उनको वहीं होना चाहिए। चल भाई। कोमल, मेरी बात सुन। मैम, हमें लगता है ये सारा किया धारा कोमल का है। What? कोमल? Yes, मैम। आज सुबह हमने उससे बात की और जैसे ही हमने उसके पापा का नाम लिया वो बहुत गुस्सा हो गई और अजीब सा बिहेव करने लगी। मैम, वो चाहती नहीं है कि उसके पापा जेल से वापस आए और इसीलिए उसने भीमा अंकल को फंसवाया। मुझे कई लोगों से पता चला कि उस रात भीमा की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो मेरे घर में आग लगा सके। मैम, इसका मतलब भीमा अंकल को जेल से छूट जाना चाहिए ना? किटी, हमारे लगने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। मैम, मेरे पास एक प्लान है। अदरक। अब तारा, ये जो कोमल का मामला है ना, इसमें अब अदरक पड़ रहा है। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, देखना मैं उसे इतना पीटूंगी, फिर उसका जूस बनाऊंगी, फिर उसे चाय में डालूंगी और फिर पी जाऊंगी। शान, किटी, अदरक पे इतना गुस्सा? और नहीं तो क्या? पता है ना, भीमा अंकल को जेल से छुड़ाने जा रहा है। सोच, रोशनी मैम के घर को जिसने जलाया उसे। हाँ, वो जाके ना पुलिस को बताने वाला है कि उस रात उसने भीमा अंकल को नारायण जी के साथ देखा था और फिर उसके बाद सीधा उन्हें अपने घर जाते हुए देखा। मतलब भीमा अंकल तो बीच में रुके नहीं, तो फिर रोशनी मैम का घर चलाया किसने? पर अदरक ऐसा कर क्यों रहा है? सारा, वो नगद नारायण के लिए कुछ भी कर सकता है ना। पैसों के लिए? हाँ। अदरक, 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 अदरक कहाँ है? वो हवाई घोड़े पे सवार होके क्यों आ रही है? बात क्या है? मुझे अदरक से मिलना है अभी। मैं क्या तुझे उसकी सेक्रेटरी दिखाई दे रही हूँ? मुझे उससे मिलना है क्योंकि उसे कुछ पता है जो किसी को नहीं पता, भीमा के बारे में।
मेरा बाप। अरे वो जो रोशनी मैम के घर जलाने के इल्जाम में बंद है। तू भीमा की लड़की है? देख वो आसपास ही कहीं होगा, अभी काम से गया। तो मैं छूंगी नहीं। किट्टी सही कह रही थी, लगता है इसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। ब्यूटी आंटी, ब्यूटी आंटी, बिजनौर में शादी हुई थी मेरी, मेरी सास और पति दोनों मिलकर मारते थे मुझे, एक दिन सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई पतलीपुर। फैमिली नहीं थी तो तू मिल गया। तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, कोई भी ऊंची आवाज में तुमसे बोला ना, टिप टॉप कर दूंगा सबको। सुन, कोमल को तुम लोगों की मदद की जरूरत है, उसे अकेला मत छोड़ना। देश आजाद है। ओए कोमल, कोमल ओए, मैंने सुना तू मुझे ढूंढ रही थी। हाँ ढूंढ रही थी। तू पुलिस के सामने झूठी गवाही नहीं देगा, समझा? भाई झूठ तो अदरक बोलता ही नहीं, समझी? और उस रात मैंने भीमा को देखा था, दारू पी के ना सीधा अपने घर गया था वो। मेरे को सब पता है, ये सब तू सिर्फ पैसे के लिए करता है। तुझे क्या दिक्कत है, किसके लिए भी करूँ, और वैसे भी तेरा भला ही होगा इसमें, तेरे पापा घर आ जाएंगे, खुश रहेगी तू, अपनी जगह खुश, जो थोड़े पैसे मिल जाएंगे अपनी जगह खुश। तेको पैसे चाहिए ना, मैं तेको डबल पैसे दूंगी, लेकिन तू पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा। अबे नारायण जी के लिए काम कर रहा हूँ मैं, उनसे ज्यादा पैसा क्या तेरे पास? बात करती है। ए, तेको शर्म नहीं आती है? सिर्फ कुछ पैसों के लिए तू ऐसा काम करेगा? तू झूठ बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकता। क्या मतलब? क्या मतलब, मुझे सब पता है, गैस लीक कैसे हुई, किसने की, और रोशनी मैडम को बचाने के लिए तू वहां कैसे पहुंच गई, सब पता है मुझे। शुक्र मना कि पैसे लेके सिर्फ झूठ बोल रहा हूं, अगर सच बोलता ना तो तू सोच ले। तो ऐसा मत कर, बहुत सच बोलना है ना तुझे, जाके सबको पूरा सच बता दे, जा बोल दे कि मैंने रोशनी मैम को चोट पहुंचाई, उनके घर को मैंने आग लगाई। अरे कभी मेरे घर आकर देख, मेरा बाप मेरी माँ को रोज कितने चोट पहुंचाता है, उसकी मेहनत से कमाई जो थोड़े पैसे होते हैं ना वो भी छीन लेता है, उसे लात से मारता और सलिए से जलाता है। देख देखो जिसको बताना है जाके बता जा, लेकिन एक बात याद रखना, जो सब भी कर रही हूँ ना सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रही हूँ, लेकिन तू क्या समझेगा मेरे प्रॉब्लम्स को, तेरी तो फैमिली नहीं है ना। समझते हैं कौन हम आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन कोमल तुम्हें ये समझना होगा कि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बनते। तुम्हारे पापा ने जो किया वो गलत किया, लेकिन जो तुम कर रही हो वो भी सही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी मैम, मैंने ही आपकी जिंदगी को खतरे में डाला, आपके घर को मैंने ही आग लगाई, और वो ब्रेसलेट भी मैंने ही आपके घर के पीछे छुपाया था, माँ को मारते वक्त पापा के हाथ से वो गिर गया था। कोमल प्रॉब्लम क्या है इस बारे में तुम्हें सोचना होगा और समझना होगा कि इसका हल क्या होगा। तुमने मेरे घर में आग लगा दी, इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बल्कि प्रॉब्लम और भी बढ़ गई ना। गुस्सा आता है कि तुम्हारे पापा घर पर मार पीट करते हैं, तुम भी उनकी तरह हो गई, अब तुम स्कूल में मारपीट करने लगी हो, तो तुम में
और उनमें क्या फर्क रह गया? मैम, घर पे ये सब देख के मुझ में इतना गुस्सा भर गया था कि मैं क्या करती। उस दिन जब मैंने नारायण चाचा को और मेरे पापा को आपके खिलाफ बोलते हुए सुना तो मुझे ये आइडिया आया। पर हाँ मैम, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। सच्ची तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। भीमा ने जो किया है उससे उसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हारी माँ को बचाने के और भी कई रास्ते हैं। देखिए, कोमल ने गलती की है लेकिन उसने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। उसकी मानसिक स्थिति समझने की जरूरत है हमें। स्कूल में भी जब उसे गुस्सा आता है तो बच्चों के साथ मारपीट करती है, और इसमें सिर्फ गलती आपके पति भीमा की या कोमल की नहीं है, आपकी भी है, क्योंकि आप हिंसा सहती रही। आपको क्या लगा था कि ये सब सहकर आप अपनी गृहस्थी को बनाए रखेंगी? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वक्त आ गया है अपनी गलती को सुधारने का। आप हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएंगी तो आप जैसी कई औरतों को आवाज मिलेगी, इज्जत के साथ जिंदगी जीने की आवाज। प्लीज। भीमा। सर, कुछ पता चला असली मुजरिम कौन है? तेरी बेटी कोमल, और ये सब उसने किया है अपनी माँ को तुझसे बचाने के लिए। तू जो घर पे बेकार की मर्दानगी झाड़ता रहता है ना, उसे मारता है पीटता है उससे बचाने के लिए। तेरी वजह से तेरी बेटी कानून से खेली। रोशनी जी वाले केस में तो फ्री है, पर घरेलू हिंसा का केस तुझ पे बनता है, वो अब लंबा जाएगा। मैंने आपकी FIR लिख ली है, इसलिए भीमा पे कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोमल ने जो किया वो सही था। अपराध तो इसने भी किया, क्योंकि मैं एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भी हूं, इसलिए भीमा की कार्रवाई के साथ साथ मुझे यह भी तय करना होगा कि कोमल के लिए आगे क्या सही होगा। गलती तो हुई है साहब, आप जो भी सजा सही समझे। कोमल को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये जरूरी है कि वक्त रहते ही बात समझ में आ जाए, अच्छे और बुरे रास्ते की समझ नौजवानों में हो। ये भी छोटी है इसलिए इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि भविष्य में फिर ऐसी गलती ना करे। रोशनी जी, मेरे ख्याल से इसे बदलीपुर के समाज सेवा कार्यक्रमों में शामिल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। फाइनली आधा फुल का एक और केस सॉल्व हो गया। ये आओ। अबे आराम से यार, ये कोमल की गुत्थी सुलझ गई। सबसे बढ़िया बात ये है, जो हुआ अच्छा हुआ। सब अच्छा नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तेरे घर में भी ये सब। टेंशन मत ले तारा, हम तेरे साथ हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बेल बजा सकती है। मतलब? आरजे निक्के ने ना रेडियो में बताया बेल बजाओ कैंपेन के बारे में, सुना तूने? पर उससे क्या होगा? अगर तुझे कहीं घरेलू हिंसा होती दिखाई दी तो तू बेल बजा, बेल बजाएगी तो हिंसा रुक जाएगी।